अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगी कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है और हर घर में एक जैसा ही बनता है। यह किसी इंतज़ार की, तो चलो फिर हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध उबाल लूँगी। पहले दूध उबाल लेने के बाद 1 कप के अंदर मैंने 1 कप भी दूध डाला है और इसके बाद 1 कप मैंने रिफाइन का पिंक कलर का कस्टर्ड डाल दिया है। 1 कप दूध लिया है मैंने यहाँ और इसके बाद 1 कप ही मैं इसके अंदर रिफाइन कस्टर्ड डाल दूँगी। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। दूध और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के लिए यहाँ मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ, आप भी विस्क यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह हिलाते रहें, वरना लम्स पे हट जाएंगे। उस दूध के अंदर अब मैं 1 कप चीनी डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, सारी चीनी गर्म दूध के अंदर डिजॉल्व हो जाए। जो मैंने कस्टर्ड और दूध मिक्स किया था, अब मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी। इसको थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना दूध के अंदर लम्स हो सकते हैं। इसको थोड़ा करके डालेंगे और साथ में हिलाते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। डाल चुकी हूँ, अब मैं इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली मैं इसको हिलाती रहूँगी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पका लेंगे कि थोड़ा थिक हो जाए। तो देखिए, अब हमारा कस्टर्ड हो चुका है थिक। अब हम इसके ऊपर किशमिश डालेंगे, बादाम पिस्ते डाल देंगे थोड़े से, और इसके अंदर थोड़ी सी जेली डाल देंगे। तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी, अब ये बन चुका है, तो अब निकाल लेते हैं इसे मिक्सी बाउल में। मैं इसके ऊपर थोड़े से 4-5 केले मैंने काट के रख दिए थे, अब वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ मैंने 2 सेब काट के रखे थे, अब वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो बगैर फ्रूट के भी खा सकते हैं, या मैंने फ्रूट डाल देंगे केक में, ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर लें, वरना ना करें तो मैं यहाँ इसको डेकोरेट कर लूंगी अच्छी तरह से। तो देखिए, मैं इसको डेकोरेट कर चुकी हूँ। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत आसान तरीके से बनता है। ये इतने आसान तरीके से बनता है कि हर कोई आराम से इसको बना सकता है। तो आज की मेरी ये रेसिपी बन चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, आज के इतना ही। खुदा हाफिज़।